गाइस कैसे हो आप सब, वेलकम टू माय अदर ब्लॉग। आज मैं आ चुका हूँ दिल्ली के सेंट्रल पार्क में, कनॉट प्लेस में। जो है भाई बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है अभी यहाँ का। शाम के 4 बज रहे हैं और आसपास इतनी रौनक है कि आप पूछो ही मत। सभी लोग संडे का दिन है, आज इंजॉय करने आए हुए हैं यहाँ पर। और अब मैं आस पास का पूरा एरिया बताऊँगा। यहाँ पर आज सेंट्रल पार्क में इतनी रौनक, इतनी भीड़ है ना भाई। सब अपने कपल्स आए हुए हैं यहाँ पर, फैमिलीज आई हुई हैं, फ्रेंड्स भी आए हुए हैं। और यहाँ पे कोई फंक्शन भी चल रहा है, टिकटॉक वीडियो, कोई टिकटॉक वीडियो शूट कर रहा है। सब आए हैं और हम आए हैं स्पेशल ब्लॉगिंग करने के लिए आपके साथ भाई, सीपी में हम लोग। और भाई मैं तो कहूँगा ये हर्ट ऑफ द सिटी है। जैसे चंडीगढ़ का सेक्टर 17 है, उसी तरह दिल्ली का फेमस सीपी है। यहाँ पे फेमस फेमस शॉप्स हर किस्म के हैं। लेकिन फ़िलहाल मैं हूँ सेंट्रल पार्क में, और सेंट्रल पार्क दिल्ली का हर्ट कहा जाता है। और भाई मैं आपको बताऊँ, पीछे से शायद धूप बहुत आ रही है, लेकिन अब हम थोड़ा आगे चलेंगे और आपको मैं बताऊंगा इस पूरे पार्क के बारे में कि यहाँ पे क्या क्या हो रहा है और किस तरह से लोग इन्जॉय करने आए हैं यहाँ पे। आप मेरे पीछे देखेंगे काउंटर्स बने हुए हैं बहुत अलग अलग टाइप्स के। यहाँ कोई फंक्शन होने वाला है, मुझे अभी तक इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। अगर मुझे कुछ पता इन्फॉर्मेशन लगती है तो आपको मैं ज़रूर बताऊंगा, तो आपको ले चलता हूँ आगे। बात पता क्या भाई, पीछे देख रहे हो झंडा भाई, तिरंगा के नीचे खड़े होकर शूट करना भाई, एक अलग ही मज़ा है। इस पर प्राउड फील होता है, इतना बड़ा झंडा हमारे यहाँ पे। और सिटी में हम अभी शाम घूम रहे हैं। और अगर आप मैं बताऊँ तो सॉरी भाई, पीछे अंकल आ गए थे आपसे, आपने देखा। मतलब एक न्यू ब्लॉगर के लिए थोड़ा मुश्किल होता है कैमरा फेसिंग करना जब कोई आपको देख रहा हो। धीरे धीरे यूज़ टू हो जाएंगे इसके लिए भी, लेकिन शुरू में काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं, रहती हैं। जो न्यू ब्लॉगिंग कर रहे होंगे, जो आज सक्सेसफुल हो चुके हैं, उन्हें पता होगा कि कैमरा के सामने थोड़ी प्रॉब्लम आती है। देखिए गाइस, यहाँ पर शायद कोई संस्कृत प्रोग्राम होने वाला है, पूर्वांचल संस्कृत मेला। हाँ, कोई संस्कृत कार्यक्रम होने वाला है। लोग आ रहे हैं, बैठ रहे हैं अपने सीट्स लेके। और आई थिंक शाम को जब प्रोग्राम शुरू होगा, लगभग 7-8 बजे बोल रहे हैं। तो देखिए, शायद हम इस प्रोग्राम तक रुके हैं, तब कवर करेंगे थोड़ा सा आपके लिए। लेकिन देखते हैं आगे। बहुत ही मुश्किल आ रही है, बहुत ही दिक्कत आ रही है ब्लॉग शूट करने में। कुछ जगह फेस पे धूप पड़ रही है, तो मतलब लाइटिंग अच्छी नहीं मिल रही है। और कुछ जगह तो यहाँ पे जगह जगह ना बैकग्राउंड म्यूज़िक बज रहा है, तो कॉपीराइट का खतरा रहता है। लेकिन ब्लॉग तो शूट करना ही है, तो यस ब्लॉग तो शूट करेंगे। तो चलिए देखते हैं, काफ़ी दिक्कत आ रही थी इसलिए सोचा थोड़ा साइड पर आके ब्लॉग शूट करना पड़ रहा है। अलग अलग एंगल मिल रहे होंगे आपको, सोच रहा होगा एक बंदा कहाँ से लेके कहाँ ट्रैवल करा जा रहा है। लेकिन क्या करें, आप लोगों के लिए जो है, तो चलिए देखते हैं। तो गाइस, अब मैं आ चुका हूँ सीपी में,
और मेरे दूसरी भी रहता है जहाँ पे, और मैं जितनी बार भी आया मैं एक दफ़े देखी कि रश बहुत रहता है स्पेशली संडे वाले दिन। यहाँ पे अलग अलग ब्रांड, मतलब हर टाइप का ब्रांड, पर इंडियन हो पर फॉरेन हो, आपको मिल जाएगा खाने के लिए। KFC है यहाँ पे, मैकडी है, कैसबर्ग की कॉफ़ी है, भाई कैसबर्ग की कॉफ़ी क्या बोलूँ, इससे अच्छा तो आप घर बनाई कॉफ़ी पी दो। कॉफ़ी के नाम पर सिर्फ और सिर्फ पानी मिल रहा है यहाँ पे, लेकिन अगर आप देखेंगे भाई रौनक तो है भाई। कपर का अगर आप देखेंगे तो क्या बोलूँ, कपर के लिए इंजॉय करने के लिए, घूमने के लिए यहाँ पे क्लबिंग है, और खाने पीने के लिए आपको लेकिन मैं भी बता चुका हूँ अलग अलग टाइप के रेस्टोरेंट यहाँ पे बहुत मिल जाएंगे आपको। और चलिए तो हम जा रहे हैं पालिका बाज़ार की ओर, तो चलिए आपसे मैं मिलूँगा पालिका बाज़ार में। अब मैं जा रहा हूँ पालिका बाज़ार, और भाई लास्ट टाइम जब मैं आया था मुझे पालिका बाज़ार के बारे में आइडिया नहीं था, इस बार किसी फ्रेंड के साथ आया हूँ तो फ्रेंड से ले जा रहे हैं। तो मैंने सुना है कि पूरा का पूरा बाज़ार अंडरग्राउंड है, और अंडरग्राउंड मतलब जमीन के नीचे लगा लो, सॉरी मुझे पता है मैं क्या बोल रहा हूँ, पता ही होगा कि अंडरग्राउंड जमीन के नीचे होता है, लेकिन एक साइड पर है थोड़ी। तो चलिए चलते हैं, दिखाऊँगा आपको पालिका बाज़ार खाना कैसा है, और देखेंगे घूमेंगे, और आप भी मेरे साथ बने रहिए। तो चलिए चलते हैं पालिका बाज़ार। काफ़ी अंधेरा हो चुका है और मुझे ब्लॉग को एंड करना पड़ रहा है। पालिका बाज़ार के बारे में आपको मैं बता दूं, तो हम पालिका बाज़ार गए थे, पालिका बाज़ार में आपको बता दूं कि अंदर काफ़ी रश था, इसलिए मैं अंदर शूट नहीं कर पाया। और मैं देख रहा था मतलब डुप्लीकेट माल बिक रहा है अंदर, परफ्यूम के तीन तीन के, मतलब तीन तीन पैक पूरे परफ्यूम के इकट्ठे दे रहे सिर्फ 300 रुपये में, भाई डुप्लीकेट माल है। और वो बंदा जो हमें 300 रुपये का वो माल बेच रहा था, लास्ट 50 रुपये तक आ गया, 100 रुपये तक आ गया कि भाई 100 रुपये में ले जाओ। तो आप सोच सकते हो भाई, अगर आप वहाँ जा रहे हो तो थोड़ा संभल के आइए भाई, बारगेनिंग कीजिए, रेट जो मिलता है एक्चुअली वो बोलते हैं वो नहीं होता है, तो इस बात का कुछ ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये चीज़ें मुझे जाके पता लगी, तो आप पहली बार जा रहे हैं तो आप संभल के जाइए, तो दिल्ली के लोग बंदे होंगे उनको पता होगा ये चीज़, तो प्लीज़ भाई संभल के रहिए। तो मिलेंगे अगले ब्लॉग में, और तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल, और आपका प्यार बनाए रखिए। ओके बाय, बहुत राशि।